हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार बेसिक फीचर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग है उसमें दो पैराडाइम्स या पैटर्न्स होते हैं। अब जितने भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो या तो कोड पे या डेटा पे, इन दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। इनके अलावा कोई और तीसरी चीज़ होती ही नहीं है। तो अगर हमारा प्रोग्राम कोड पे बेस्ड है, यानी कि क्या हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल। जैसे कि नाम में पता चल रहा है, प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल, एक मॉडल जो प्रोसेस पे बेस्ड है, यानी उस पे ओरिएंटेड है। और दूसरा टाइप की प्रोग्रामिंग अगर हमारा बेस्ड है डेटा के ऊपर, यानी कि हमारे पूरे कोड में ये पता चल रहा है कि क्या अफेक्ट हो रहा है और उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये सेकेंड अप्रोच है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे ही हमारा जावा लैंग्वेज बेस्ड है और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो चार मेन फीचर्स हैं ऊप के, वो हैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ये एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसकी यूज़ करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम और उसके डिज़ाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितना कॉम्प्लेक्स है वो प्रोग्राम, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये कैसे रिड्यूस करते हैं? हम इसमें सिर्फ जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ उन्हें ही शो करते हैं। बाकी बैकग्राउंड में जितना अनफेमिलियर कोड है, जिस कोड को हमें नहीं आता है या जिसे हमें यूज़ नहीं करना, उसको हम शो ही नहीं करते हैं। इस एब्स्ट्रैक्शन फीचर से हम हायरार्की एब्स्ट्रैक्शंस भी कर सकते हैं, हायरार्की सेट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ बेसिक फीचर्स यूज़ करने हैं तो हम एडवांस फीचर्स को हाइड कर देंगे। तो हमने एक हायरार्की सेट कर दी कि सिर्फ हमें बेसिक फीचर्स, यानी कि अप फ्रंट फीचर्स ही दिखें, बैकग्राउंड फीचर्स या बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस रन हो रही है वो ना दिखें। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, और उसको डीकोड करना या उसको पढ़ना और उसको समझना और उसको डिज़ाइन करना, ये आसान हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। दोस्तों, आपने कार या बाइक चलाई होगी या उसमें बैठे तो ज़रूर होंगे। यहाँ पर मैंने कार का एक एग्जांपल लिया है। अब अगर हमें कार देखें, कार एक मशीन है जिसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स एक साथ रन करते हैं, जैसे इंजन है, ट्रांसमिशन है, म्यूज़िक सिस्टम है, ब्रेक्स हैं, कार की लाइट्स हैं और कार की एयर कंडीशनिंग है, और भी काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं। बट अगर हमें कार को ड्राइव करना है, कार को हमें चलाना है, तो हमें इन सारे सिस्टम्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्सेलरेटर कहाँ है, हमारा ब्रेक कहाँ है, हमें गियर शिफ्ट कैसे करना है। तो कार मैन्युफैक्चरर्स ने क्या करा, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स या कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन थे उनको छुपा दिया, उनको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, और जो कार ड्राइवर हैं, यानी कि हम लोग जो कार के यूज़र हैं, उन्हें सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स ही शो करें। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन का। इससे पता चलता है कि हम अपने प्रोग्राम या अपने कोड को कितने सिंपल तरीके लिख सकते हैं, कितने सिंपल तरीके से, और एडवांस या फिर जो अनफेमिलियर चीज़ें हैं उनको हम हाइड कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारा जो कोड है और जो डेटा है उसको एक साथ बाइंड करके, यानी एक साथ जोड़ के एक कैप्सूल में या एक यूनिट में रख सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है जो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। इसी की वजह से हमें सिक्योर कोड मिल पाता है, क्योंकि कोई भी बाहर की क्लास या बाहर के कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स या क्लास को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। इस इनकैप्सुलेशन का बेसिक एग्जांपल एक क्लास हो सकती है। जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम अपना डेटा देते हैं और उस डेटा पे क्या काम होने वाला है उसका कोड लिखते हैं, बट लिखते हम सब क्लास के अंदर ही हैं। तो क्लास एक इनकैप्सुलेशन का काम कर रही है जिसमें हम लोगों ने बाइंड कर दिया है हमारे डेटा को और कोड को। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें मैंने अपना कोड और डेटा दोनों को एक साथ रखा हुआ है। अब अगर कोई एक्सटर्नल क्लास या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये इनकैप्सुलेशन जो फीचर है उस एक्सेस को रोक देता है और हमारे कोड को सिक्योर कर देता है। इनहेरिटेंस, ये एक प्रोसेस है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकता है, कॉपी कर सकता है। अब इसे करने का फ़ायदा क्या है? इनहेरिटेंस यूज़ करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या उसके जो फीचर्स हैं, वो फंक्शंस हैं, वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और जो कि उनमें सेम प्रॉपर्टी है, तो मेरे को हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है।
इनहेरिटेंस के द्वारा मैं उन सारे फीचर्स को सारे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब ये कैसे होता है? सबसे पहले हमारी एक क्लास होती है जिसमें हम हमारे फ़ीचर्स लिखते हैं, और जो क्लास जिसमें हम अपने फ़ीचर्स लिखते हैं उसे बोलते हैं सुपर क्लास, और ये सारे फ़ीचर्स हम जिस क्लास को ट्रांसफ़र करते हैं उसे बोलते हैं हम सब क्लास। इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन के साथ भी इंटरैक्ट करती है, यानी कि अगर हमने किसी क्लास से कोई ऑब्जेक्ट्स या डेटा हमने कॉपी करा है तो उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके जो फीचर्स होंगे वो भी कॉपी हो जाएंगे। तो आपने देखा हमें बार बार एक ही फ़ीचर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनहेरिटेंस की मदद से हम लोग फंक्शंस को और उसकी फंक्शनैलिटी को कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास नहीं, मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से बताता हूँ, सेलुलर फ़ोन्स। अब आपको पता है सेलुलर फ़ोन्स जो हैं उनमें बेसिक फ़ीचर्स क्या होते हैं, कॉलिंग के, SMS के वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैंने दो फ़ोन्स लिए हैं, एप्पल के और एंड्रॉयड के। अब चाहे मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ करूँ या एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करूँ, बेसिक फ़ीचर्स SMS या कॉलिंग ये तो दोनों में ही होती है। तो बजाय मैं एप्पल में और एंड्रॉयड में अलग अलग फंक्शनैलिटी लिखूँ ये बेसिक फ़ीचर्स की, मैं सेलुलर फ़ोन्स में जो मैंने फ़ीचर्स पहले ही डिफ़ाइन कर दिए हैं इसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ और एप्पल और एंड्रॉयड में वो फंक्शनैलिटी कॉपी कर देता हूँ। तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एप्पल और एंड्रॉयड क्लासेस ने सेलुलर फ़ोन्स क्लासेस से वो फंक्शनैलिटी एक्वायर कर ली। अब ऐसे ही मैं अगर एप्पल के सब क्लासेस की बात करूँ, जैसे आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 10, इसके अंदर एप्पल के फ़ीचर्स होंगे। तो अगर मैं ये सारे फ़ीचर्स एप्पल क्लास में डिफ़ाइन कर दूँ तो आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 10 क्लासेस उन फ़ीचर्स को इनहेरिट कर लेंगी। ऐसे ही एंड्रॉयड में कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स होते हैं जो मैं गूगल पिक्सल 2, सैमसंग गैलेक्सी S8 या LG V30 में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं एंड्रॉयड सब क्लास में हमारे सारे एंड्रॉयड के फ़ीचर्स लिख दूंगा और बाकी की जो उनकी सब क्लासेस हैं गूगल पिक्सल 2, सैमसंग गैलेक्सी S8 और LG V30 वो इनहेरिटेंस को यूज़ करके ये सारे ऑब्जेक्ट्स और उसकी फंक्शनैलिटी को कॉपी कर लेंगी अपने आप। तो आपने देखा हमें सिर्फ एक ही बार कोड लिखना पड़ा और सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होती गई सब क्लासेस के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म, पहले तो मैं इस वर्ड को तोड़ता हूँ। पॉली का मतलब होता है काफ़ी सारे, मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है चेंजेस या फॉर्म, यानी कि काफ़ी सारे चेंजेस यानी काफ़ी सारे फॉर्म्स उसमें। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है जिसमें हम एक सिंगल इंटरफेस को यूज़ करके काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको पहले एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। सपोज़ कीजिए मेरे को कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक क्लास बनाई ड्रॉ। अब मैं ड्रॉ क्या करना चाहता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। बट ये पता कैसे चलेगा कि मुझे ड्रॉ क्या करना है? तो यहाँ पर मैं एक जनरल रूल या एक जनरल सेट डिफाइन कर देता हूँ कि अगर यूज़र से एक इनपुट आ रहा है तो सर्कल ड्रॉ हो जाए, वो एक इनपुट सर्कल का रेडियस हो सकता है। अगर यूज़र से दो इनपुट आ रहे हैं तो मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, वो दो इनपुट रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। अगर यूज़र से तीन इनपुट आ रहे हैं तो मेरा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए, क्या पता वो तीन मेरे ट्रायंगल के एंगल्स हो या तीन लाइंस हो, एक्सेस हो। तो आपने देखा यूज़र के इनपुट पे ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ। बट सारी चीज़ों में हो तो ड्रॉ ही रहा है ना, यानी कि एक इंटरफेस ड्रॉ और उसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स, यानी कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो एक इंटरफेस को यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे मल्टीपल ऑपरेशंस कर लिए, इसके लिए मुझे अलग अलग कोड नहीं लिखने पड़े, बस मैंने एक जनरल सेट ऑफ फंक्शंस या जनरल सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए और उस बेसिस पे मेरे ये सारे फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। तो ये चार ऑप्शंस या ये चार जो फीचर्स हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स हैं, और इन्हीं के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस चैनल अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।